उधर उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाने की मांग उठी है। राज्य की मदरसा वेलफेयर सोसाइटी ने इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत को खत भी लिखा है। एक सीट से भले ही आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह का नाम तय कर दिया हो, लेकिन बाकी दो उम्मीदवारों के लिए घमासान जारी है। आयुर्वेद और योग से जुड़ी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड के मदरसों में अगले सत्र से संस्कृत पढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। सूबे में 207 मदरसों का संचालन करने वाली मदरसा वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखकर संस्कृत पढ़ाए जाने का ये प्रस्ताव रखा है। इन मदरसों में करीब 25,000 छात्र हैं। MWS चाहता है कि मदरसे के छात्रों का भविष्य उज्जवल हो और वो आयुर्वेद की पढ़ाई भी कर सके। चूंकि आयुर्वेद की पढ़ाई संस्कृत में होती है, इसलिए मदरसों में संस्कृत को भी पढ़ाया जाना चाहिए। संस्था का कहना है कि जब हम विदेशी भाषा के तौर पर अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, तो प्राचीन भारतीय भाषा के तौर पर संस्कृत क्यों नहीं पढ़ा सकते। MWS की मांग पर सरकार क्या फैसला लेती है, ये वक्त बताएगा, लेकिन इस प्रस्ताव पर बवाल होना तय है।